हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रही है सुबह और जैसा कि आपको पता है पिछले चार दिन से लगातार गुड़गांव में बारिश हो रही है। इस वजह से जो हम मस्त मस्त पतंग लेके आए थे वो पतंग भी नहीं उड़ा पा रहे हैं। तो गाइस अभी हम आए छत पे और सुबह सुबह का हाल देख लो, ये देखो सारी बारिश हो रही है और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है। तो अब आप ही बताएं ऐसे में कैसे उड़ाएं पतंग। मुझे लग रहा है इस बार मकर संक्रांति ऐसे ही निकल जाएगी बगैर पतंग उड़ाई। तो गाइस मुझे लग रहा है इतनी सारी जो पतंगे हमारी पड़ी है ये उड़ ही नहीं पाएंगी इस बार। हमारी जिंदगी जियान की तरह हो चुकी है, बिल्कुल सैड होनी चाहिए थी डोरेमोन की तरह। बाकी गाइस बारिश से देखो कितना मस्त फायदा हुआ है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन पर बारिश का इतना अच्छा इफेक्ट होता है, बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं। ये देखो कितने ब्लूम पे हैं सारे फ्लावर्स। तो गाइस अभी साइंस भी आ गया मुझे ऊपर देख के। मैं तो पतंग उड़ाने आया हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रही है सुबह, अभी बारिश आ रही है और आज बारिश में ही पतंग उड़ा के रहेंगे हम। तो गाइस यहाँ पे पड़ी हुई है हमारी चरखी। तो गाइस अभी हम ये मिक्की माउस वाली पतंग उड़ाएंगे। तो गाइस पॉलिथीन की पतंग है ये, बारिश में बिल्कुल नहीं भीगेगी इसलिए इसे उड़ाना सेफ है। और गाइस हम इसे सर्दी से उड़ाएंगे क्योंकि हम अपना मांजा खराब नहीं करेंगे। बारिश में अगर मांजे से पतंग उड़ाएंगे तो हमारा सारा मांजा खराब हो जाएगा, जो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मकर संक्रांति के 2-3 दिन बचे हैं और हमने एक बार भी पतंग नहीं उड़ाई यार इस बार। कैसे हमने पतंग नहीं उड़ाई? तुझे दिख नहीं रहा क्या, रोज बारिश आ रही है? ये देखो कैसे घूम रहा है, वैसे ही काट देगा क्या पतंग को? छोड़ छोड़ छोड़, कट जाएगी, उड़ के नीचे चलेगी ना, कोई देगा भी नहीं। पता लगा इसकी पतंग उड़ के गई और कोई लुटेरा आ गया और लूट के चला गया, फिर क्या करेगा? तो गाइस अभी इस पतंग के कन्ने बांध लेते हैं जल्दी से। ये देखो हवा की वजह से चिपक रही है यहाँ पे पतंग। तो गाइस अभी हम इस छज्जे के नीचे से पतंग उड़ाएंगे क्योंकि उस तरफ तो आ रही है बारिश और बारिश में भीगेंगे तो बीमार हो जाएंगे। वैसे साइंस यार हमारा प्लान था विशाल की पतंग काटने का, तो गाइस हमारा प्लान था विशाल के साथ पतंग उड़ाने का और उसकी सारी पतंग काटने का, मगर अभी तो सारा प्लान चौपट होता दिख रहा है इस बारिश की वजह से। तो साइंस अभी कन्ने बांधेगा। गाइस देखो झूठ बोल रहा है कन्ने बांधने के लिए। चलो तो गाइस हमें ही बांधने पड़ेंगे इस पतंग के कन्ने। कन्ने बांधना थोड़ा टेक्निकल काम है, हर किसी को नहीं आता। ये देखो गाइस हमारे यहाँ कितने कबूतर आ गए बारिश में उड़ते उड़ते। ये देखो ओ भाई कितनी भीड़ है इनकी कबूतरों की, शायद डरा रहा है इन कबूतरों को। मेरी फसल खराब करेंगे। तेरी फसल है भी। अभी वो सामने देखो वहाँ जाके बैठ गए सारे दोबारा चुपचाप। तो अभी हमने अपने पतंग के कन्ने बांध लिए, तो अभी ये पतंग उड़ाने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो अभी इसे उड़ाते हैं। पतंग का क्रेज देख रहे हो गाइस, बारिश में भी नहीं रुक रहे हम। और आगे अगर पतंग उड़ रही होती ना तो इतनी भयंकर काटता ना मैं उनकी पतंग, इतनी भयंकर पतंग काट दूंगा, इतनी भयंकर पतंग काट दूंगा। किसी ने सोची होगी? सोची ना होगी। तो गाइस पतंग उड़ाने के लिए डंडी मोड़नी जरूरी है, मगर जब भी आप इस डंडी को मोड़ो ना तो बहुत ध्यान से मोड़नी चाहिए, नहीं तो पतंग की हड्डी टूट जाती है, पसली निकल जाती है फिर उसकी। तो गाइस देखिए साइंस उड़ा रहा है यहाँ से पतंग, वहाँ पे हमारी पतंग उड़ चुकी है। पतंग यहाँ से तो दिख भी नहीं रही है, पतंग देखने के लिए पीछे जाना पड़ रहा है। ये देखो कितनी मस्त लग रही है उड़ रही है पतंग, बाकी पतंग बहुत सुन है। ये देखो गाइस कितनी मस्त लग रही है हमारी पतंग, शायद तो मस्त उड़ा रहा है, डुबाई नहीं रहा पतंग को। तो भाई ये वाली पतंग ना बिल्कुल मस्त है, डूब ही नहीं रही, बिल्कुल बढ़िया उड़ रही है और इधर से तो दिख ही नहीं रही। ये देखो मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ और दिख ही नहीं रही ऊपर कहाँ उड़ रही है, उधर से दिख रही है साइंस को, मगर जो बंदा उड़ा रहा है उसे तो दिख ही नहीं रही पतंग। वाह। तो साइंस ने अभी चरखी पकड़ ली है। तो गाइस अभी धुंध भी बहुत ज्यादा होती जा रही है और हवा भी बहुत ज्यादा तेज है, तो अभी हम सोच रहे पतंग उतार लेते हैं क्योंकि सामने का हाल देखो गाइस कितनी धुंध हो रही है यहाँ पे। तो गाइस अभी ड्यूटी लगा दी है साइंस की पतंग उतारने की। तो गाइस देखो साइंस ने क्या किया है, वहाँ सामने उस छत पे पतंग अटका दी है हमारी, अभी देखते हैं ये पतंग आ पाती है या नहीं। तो अभी छुड़ाने की कोशिश कर रहा शायंस। तो गाइस अभी हमारी पतंग अटक चुकी है, आगी देखना कितनी ठंडी होगी। तो गाइस पतंग बिल्कुल चिल्ड हो चुकी है, बर्फ बन चुकी है पतंग की, कितनी ठंडी होगी शायंस ये, बहुत ठंडी। ये देख रहे हो गाइस कितना पानी है, कितनी बारिश है, और इतनी बारिश में भी कोई ऐसा पागल होगा हमारी तरह जो पतंग उड़ा रहा होगा? पहले तो जो पता शायंस कितना क्रेज था पतंग उड़ाने का, कभी कभी ऐसा होता था जब हमारे पास पतंग नहीं होती थी ना और तेज हवा चलती थी तो हम पन्नी होती है ना जिसमें सब्जी आती है उसे बांध के भी उड़ा देते थे। अभी तो बहुत ठंड हो रही है, अभी नीचे चलते हैं। तो गाइस मस्त मजा आया इतनी बारिश में पतंगबाजी करके, होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।